ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। कई बार कई लोग सोचते हैं कि अरे ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति समाप्त हो जाए तो फिर बाबा को इतना अच्छे से याद करेंगे, इतना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ये जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी पूरा कर लेने के बाद हम पुरुषार्थ में लग जाएंगे, उसके बाद मस्ती में पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे। ये बीमारी बैठते तो है योग में, लेकिन यहाँ दर्द होता है, वहां दर्द होता है, ये दर्द होता है, बस बाबा ये दर्द अगर खत्म कर देना फिर तो मैं अच्छे से पुरुषार्थ करने लग जाऊं। लेकिन सोचने की बात है कि बाबा को याद करेंगे तब दर्द खत्म होगा या दर्द खत्म होगा तब बाबा को याद करेंगे? क्या करिए, उनका हिसाब तो नहीं लगा रहे हैं। बाबा ने उन बच्चों को ये गारंटी दिया है कि बच्चे तुम याद की मस्ती में रहो तो कर्म भोग भी चुप्पू हो जाएगा। हम सोचते कर्म भोग चुप्पू हो जाए बाबा को याद करे, ये नहीं होगा। ये परिस्थिति समाप्त हो जाए फिर हम बाबा को याद करेंगे, बहुत तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन वो परिस्थिति या वो विघन बाबा की याद से विघन विनाशक बनेंगे या विघन विनाश होगा फिर बाबा को याद करेंगे। नहीं, उल्टा हिसाब तो नहीं लगा रहे, क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए जिस तरह एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है या पैदल भी अगर जा रहा है, हम कहें ये साइड सीट समाप्त हो फिर मैं आगे बढ़ूं, चलने